चैप्टर टू पॉलिनोमियल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकिन पॉलिनोमियल वर्ड के बारे में जानने से पहले मैं कुछ वर्ड्स के बारे में पहले वह वर्ड्स हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस टर्म्स कोफिश एंड डिग्री तो फर्स्ट वर्ड है एलजेब्रिक एक्सप्रेशं एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाई द साइन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीपिकेशन इस बार फिर सुनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाई द साइन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीपिकेशन इसलिक्स फॉर एग्जाम्पल मान लें एक कोई हमने एक्सप्रेशन लिख दिया थ्री एक्स अगर हम इसमें देखें वेरिएबल तो और कॉन्स्टेंट मल्टीप्लीकेशन साइन के साथ यूज किया गया है तो इस एग्जाम्पल को हम एलजेबरिक एक्सप्रेशन में अगर एक दूसरे एग्जाम्पल में लिखा गया हो फोर एक्स माइनस फाइव हम इसे भी एक्सप्रेशन कर सकते हैं क्योंकि फोर एक्स में एक्स और फोर मल्टीप्लीकेशन साइन के साथ हैं और फोर एक्स माइनस फाइव में ये के साथ तो इस कंप्लीट फोर एक्स माइनस फाइव को हम एलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल में लिख सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर मैं लिखूं टू ये भी हम एलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल में लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लीकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन के साथ बेरोम तो ये सभी एग्जाम्पल्स एलजेब्रिक एक्सप्रेशन दूसरा वर्ड आता है टर्म्स

अगर हम फोर एक्स माइनस फाइव का एग्जाम्पल लेते हैं तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दो वैल्यूज हैं जो सब्ट्रैक्शन साइन के साथ यूज़ किया तो हम ये कह देंगे दो टर्म्स के साथ एक्सप्रेशन अगर हम इस तीसरी एग्जाम्पल को यूज करते हैं फोर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्सप्ल टू तो हम कह सकते हैं एडिशन एडिशनशन साइन के साथ थ्री वैल्यूज हैं तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में थ्री और भी अगर हम चाहें तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल में टर्म्स को डिफाइन करें लेकिन ये ध्यान रहे एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन के साथ जो वैल्यूज लिखे जाते हैं हम उसी को टर्म्स का टर्म्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसमें कुछ वर्ड्स और हमें जान लेना चाहिए टर्म्स के थ्री टाइप्स डिफाइन किए जाते हैं और भी डिफाइन किए जा सकते हैं लेकिन इस तीन के पर्टिकुलर नाम होते हैं। वो क्या क्या है वो आप सुन लें पहला वर्ड है मोनोमियल मोनोमियल क्या होता है किसी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर एक ही टर्म हो तो उस एल्जेबरिक एक्सप्रेशन को हम नॉमियल कहते हैं फॉर एग्जाम्पल थ्री इसमें एक ही टर्म है अब टर्म क्या होते हैं अभी मैंने आपको बताया एडिशन साइन के साथ जो बेरोज होते हैं वही टर्म्स कहे जाते हैं इसमें साइन के साथ कुछ नहीं है तो ये सिंगल है इसलिए सिंगल टर्म और एक मोनोमियल दूसरा कह दिया जाता है बाइनोमियल बाइनोमियल क्या होता है ऐसा कोई एलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन के साथ यूज किए गए हैं फॉर एग्जाम्पल फोर एक्स माइनस फाइव इसमें दो टर्म्स के साथ यूज किए गए हैं तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बाइनोमियल कहते सकते हैं और ट्राइनोमियल ऐसे किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जिसमें थ्री टर्म्स एडिशन सब्ट्रैक्शन साइन के साथ दिए गए हो, एज लाइक दिस फोर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस और भी अगर हम फोर टर्म के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को यूज करते हैं तो वह क्वाड्रिनोमियल हो जाता है तो ये थे टर्म्स अब हम नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं कोफिशियंट ये क्या होते हैं ध्यान से समझ जो भी आप टर्म्स डिफाइन करते हैं जो भी टर्म्स आप डिफाइन करते हैं उसमें जिस वैल्यू का कोफिशियंट जानना चाहते हैं उसके मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में जो होता है वही उसका कोफिशियंट कहा जाता है एक बार फिर स्टेटमेंट समझे किसी भी टर्म में एक ही टर्म किसी एक टर्म में जिस वैल्यू के साथ मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में जो दिया जाता है वही उसका कोफिशियंट कहा जैसे अगर मैं लिख देता हूं फाइव एक्स वाई एक ही टर्म होना चाहिए ठीक बात है अब अगर इसमें मैं y का कोफिशिएंट पूछता हूं तो y का कोफिशिएंट हो जाएगा y के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कौन है 5x तो y का कोफिशिएंट 5x है 5x इज द कोफिशिएंट ऑफ y लेकिन अगर मैं xy का कोफिशिएंट पूछूं तो xy के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कौन है 5 है तो xy का कोफिशिएंट 5 होगा हम यहां यूज कर सकते हैं 5 इज द फिशियंट ऑफ एक्स वाई तो यह ध्यान रहे सिंगल टर्म में जिस वैल्यू का कोफिशियंट आप जानना चाहते हैं चेक करें उसके फॉर्म में क्या है हम तो उसी को उस वैल्यू का कोफिशियंट नेक्स्ट वर्ड यूज किया जाता है और भी अगर आप चाहें तो कोफिशियन का एक एग्जांपल यूज कर सकते हैं मान लिया मैंने लिख दिया सेवन एक्स स्क्वायर वाई अब इसमें दो एक्सप्रेशन को यूज कर रहा हूं दो तरह के कोफिशियंट्स की एग्जाम्पल को मैं यूज कर रहा हूं देखें वाई का कोफिशियन क्या होगा वाई के साथ मल्टीप्लीकेशन में फॉर्म में क्या है 7X2. तो हम यह कह सकते हैं इज द कोफिशियंट ऑफ वाई ये हम कह सकते हैं लेकिन अगर मैं पूछूं एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या होगा तब आप क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में सेवन वाई है तो आप यहाँ लिखेंगे सेवन वाई

फिशियंट लिखना चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं सेवन एक्स वाई इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स द कोफिशियंट ऑफ तो जिस वैल्यू का आप कोफिशियंट जानना चाहते हैं चेक कर लें उसके क्या है वही उसका कोफिशियंट नेक्स्ट वर्ड की हम बात करते हैं डिग्री डिग्री क्या जिस वैल्यू के पावर में जो भी लिखा जाता है वही उस वैल्यू के लिए डिग्री कहा जाता है जनरली ये वेरिएबल्स के केस में ही हो अब जैसे अगर मैं यहां लिखता हूं सेवन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव तो इसमें वेरिएबल एक्स इन्वॉल्व हुआ है और उस एक्स वेरिएबल पर हाइएस्ट पावर क्या है तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम कह सकते हैं डिग्री एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसका है डिग्री टू का है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व हुआ है उस पर हाइएस्ट पावर टू है अगर मैं यहां लिख देता हूं फाइव एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स अभी भी ये एग्जाम्पल एलिजेबरी एक्सप्रेशन एक्स वेरिएबल का है और उस एक्स वेरिएबल पर हाइएस्ट पावर टू है तो ये भी डिग्री टू का एग्जाम्पल है डिग्री टू का ही। अगर मैं लिख देता हूं सेवन वाई माइनस फाइव अब ये एलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो वाई वेरिएबल का है लेकिन इस वाई वेरिएबल पर हाइएस्ट डिग्री कर ले क्या है वन है तो ये आप कह सकते हैं डिग्री अगर मैं यहाँ सेवन वाई क्यूब माइनस सेवन वाई स्क्वायर प्लस टू ये मैं लिख देता हूं अब इसमें देखें वाई वेरिएबल के इस एल्जेबरिक एक्सप्रेशन में हाइएस्ट पावर क्या है हाइएस्ट पावर थ्री है तो हम इस एग्जाम्पल को कह सकते हैं ये एग्जाम्पल डिग्री जो भी हाईएस्ट पावर कहें डिग्री कहें बात देखिए अब जैसा कि मैंने कहा था कि पॉलिनोमियल वर्ड्स के बारे में जानने से पहले आपको इन चारों वर्ड्स के बारे में जान लेना चाहिए वह आप अब तो अब हम इस वर्ड पर चलते हैं जिसे हम कहते हैं पॉलिनोम एन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन एन एलिकेशन आर मोर टर्म्स आर कॉलोम ऐसा कोई एलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक या उससे अधिक टर्म्स को डिफाइन किया जाता है उसी को पॉलिनोमियल और इसके स्टैंडर्ड फॉर्म कहें या इसके एग्जाम्पल में अगर हम ये लिखते हैं प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यू प्लस तो अगर इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया जाए तो इस एग्जाम्पल में अगर हम फर्स्ट वैल्यू को लेते हैं ये अकेला भी लिखा जा सकता है इसके साथ भी लिखा जा सकता है सी एक्स स्क्वायर के साथ भी लिखा जा सकता है पूरे के साथ भी लिखा जा सकता है क्योंकि डेफिनेशन में यही तो गया पोरिनोमियल के

और x रेस्ट पावर जीरो अगर वन हुआ तो a इन टू वन तो एक ही होता है नेक्स्ट क्या हम लिख सकते हैं प्लस था इनके साथ इसे इसे लिख सकते हैं CX square, plus इसे लिख सकते सकते हैं हैं so इस एल्जरी एक्सप्रेशन को लिखने के साथ साथ जिसे हम पॉलिनोम कहते हैं दो वर्ड्स तो क्लियर तो ही दो बातें क्लियर हो गई इसकी मीनिंग ये दो तो बातें किसके लिए हैं? पॉलिनोम के लिए ठीक है पहली बात कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल एक ही होना चाहिए पहली बात क्या क्लियर हुई पॉलिनोमियल एक्सप्रेस करते समय को डिफाइन करते समय वेरिएबल तो एक ही होना चाहिए ये बात क्लियर हो देखो यहां भी एक्स यहां भी एक्स यहां भी एक्स यहां भी एक्सोहा दूसरी बात क्या क्लियर हुई उस वेरिएबल पर जो डिग्रीज लिखे जाएं वो सभी नंबर्स में ही होने चाहिए देखें होल नंबर्स क्या होते, है? zero, one, two, three, four, तो होते हैं जीरो है? को हटाने के बाद जो लिखा जाता है, तो है? इसीलिए जाता है और ये क्या है नेचुरल नंबर्स जिसे हम एंसर करते हैं चलिए हम इसे छोड़ते हैं यहां देखते हैं भाई पॉलिनामिया को डिफाइन करते समय दो बातें तो क्लियर हो गई एक तो ये कि वेरिएबल एक ही होना चाहिए और दूसरी बात ये क्लियर हुई कि जिस वेरिएबल को कंसीडर किया जाए उन वेरिएबल्स पर जो पावर्स लिखे जाए या डिग्रीज लिखे जाए वो में ही इसकी मीनिंग तो ये भी है कि अगर कहीं भी मैं लिखता हूं थ्री एक्सड पावर माइनस टू प्लस फोर इसे हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे क्यों नहीं कहेंगे क्योंकि वेरिएबल पर पावर माइनस फोर है जो इंटीजर्स में आता होल नंबर्स में नहीं ये पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल मान लो मैं एक दूसरा एग्जाम्पल कह देंस रेस टू पावर फाइव बाई टू माइनस फोर एक्स क्या ये पॉलिनॉमियल है ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है क्योंकि फाइव बाई टू आता है टू पॉइंट फाइव और टू पॉइंट फाइव फोर नंबर्स में नहीं होता ये भी पॉलिनॉमियल का एग्जाम्पल नहीं है अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये क्या पॉलिनॉमियल है बिल्कुल पॉलिनॉमियल है क्यों है क्योंकि वेरिएबल एक है और उस वेरिएबल पर जो तो पावर है वह होल नंबर्स में है तो ये पॉलिनोमियल का एग्जांपल है अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये पॉलिनोमियल है बिल्कुल पॉलिनोमियल है क्यों क्योंकि तो जो पॉलिनोमियल की कंडीशन दी गई जो ये दो बातें क्लियर होकर आई है पॉलिनोमियल के लिए ये दोनों इसमें सेटिस्फाइड क्या वेरिएबल एक होना चाहिए और उस वेरिएबल पर पावर होल नंबर होना चाहिए या अगर मैं बात करूं केवल फाइव की क्या ये है ही फाइव इंडिपेंडेंट तो कांस्टेंट टर्म होता है लेकिन अगर मैं ये लिख दूं फाइव एक्स रेस्ट पावर जीरो तो ये पॉलिनोमियल को बता सकता तो, क्यों क्योंकि वेरिएबल पर पावर हो लम ये हो सकता है लेकिन क्योंकि x रेस्ट पावर जीरो वन होता है तो ये आता है सिंपलीफाई होने के बाद फाइव और ये इंडिपेंडेंट वालू कॉन्स्टेंट टर्म ठीक अदरवाइज आप चाहें तो एक्स रेस्ट पावर जीरो के साथ इसे पॉलिनोमियल में यूज कर जनरली नहीं किया क्योंकि तो इसकी जरूरत ठीक है तो अब जब पॉलिनोमियल में दो बातें क्लियर हो गई हैं कि एक तो वेरिएबल एक ही होना चाहिए और दूसरा उस वेरिएबल पर पावर कई पॉलिनोमियल के बहुत सारे टाइप्स डिफाइन किए जाते हैं लेकिन इसके जो थ्री इंपॉर्टेंट टाइप्स डिफाइन किए जाते हैं जिसके नाम उनके डिग्री के, के बेस पर नहीं होते जिसके नाम उसके डिग्री के बेस पर नहीं होते वो है एक लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोम ये थ्री पॉलिनोम के टाइप्स ऐसे हैं जो तो इनके डिग्रीज के बेस पर इनके नाम नहीं दिए और इसके आगे जितने पॉलिनोम के टाइप होंगे वह सब डिग्री के बेस पर अब कैसे अभी मैं इसको आगे कंटिन्यू कर दूंगा समझना आसान भाई लीनियर पॉलिनोम क्या होता है पॉलिमियल ऐसा कोई पॉलिनोमियल का फॉर्मेट अब पॉलिनोमियल का फॉर्मेट क्या होता है भाई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आना चाहिए ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल का फॉर्मेट जिसमें वेरिएबल पर हाईएस्ट डिग्री वन हो उस एक्सप्रेशन को उस पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल फॉर एग्जांपल टू एक्स माइनस फोर ये लीनियर पॉलिनोमियल ये लीनियर पॉलिनोमियल है मैं इसे आगे लिख दे रहा हूं क्यों अभी मैं एक्स माइनस ये लीनियर पॉडी अगर मैं एक दूसरा एग्जाम्पल यूज करूं तो और यहां मैं लिख दूं थ्री एक्स माइनस सिक्स ये भी लीनियर तो क्यों दोनों लीनियर क्योंकि हैं क्योंकि तो इन दोनों में वेरिएबल जो यूज किया गया है उस पर हाईएस्ट डिग्री वन इसलिए लीनियर तो पॉडी अगर मैं एक और एग्जाम्पल यूज करूं फोर जेड माइनस टू यह भी है लीनियर पॉलिनॉमियल क्यों क्योंकि जिस वेरिएबल को यूज किया उस पर पावर वन है लेकिन अगर हम इस पहले एग्जाम्पल को देखें तो इसमें एक्स वेरिएबल का पॉलिनोमियल हो तो अगर हम इसे चाहें तो हम लिख सकते हैं पी एक्स ये डिफाइन करता है कि ये पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल दूसरे एग्जाम्पल को अगर देखें तो क्योंकि ये वाई वेरिएबल का पॉलिनॉमियल है हम इसे लिख सकते हैं पी वाई और अगर तीसरे पॉलिनोमियल को हम लिखना चाहते हैं इसे लिख सकते हैं पी एड जिस वेरिएबल का पॉलिनोम डिफाइन किया जाता है जनरली पी के साथ वह वेरिएबल लिख लिखती क्वाड्रेटिक पॉलिनोम क्या होता है ऐसा कोई पॉलिनोम का फॉर्म जिसमें अब अंडरस्टूड है पॉलिनोमियल में वेरिएबल एक ही होना चाहिए अब उसे हम यूज नहीं कर रहे हैं डायरेक्ट अब लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक को डिफाइन कर क्वाड्रेटिक ऐसा कोई पॉलिनोमियल का फॉर्म जिसमें वेरिएबल पर हाइएस्ट डिग्री टू हो डिग्री टू

अगर इस एग्जाम्पल को देखा जाए तो इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है ये क्योंकि वेरिएबल पर, पर पावर हाइएस्ट टू है लेकिन क्योंकि वाई वेरिएबल है तो हम यहां लिख देंगे और अगर जेड वेरिएबल का होता तो हम इसे पी जेड लिख रहे पॉलिनोमियल ऐसा कोई पॉलिनोमियल का फॉर्म जिसमें वेरिएबल पर हाइएस्ट डिग्री थी क्यूबिक पॉलिनामियल फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने लिख दिया थ्री एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स इसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कह देंगे और क्योंकि वेरिएबल एक्स है हम इसे पी एक्स के साथ अच्छा एक बात बताएं अगर मैंने ये लिखा टू वाई क्यूब प्लस फाइव क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है बिल्कुल है क्यों है क्योंकि वेरिएबल पर हाइएस्ट डिग्री क्या है आगे पीछे क्या है दसन में वेरिएबल पर पावर थ्री हम उसे क्यूबिक पॉलिनोम कह देंगे और क्योंकि ये ये वेरिएबल को डिनोट करता है ये पी वाई। अब ये तीन तो आपके पास आ गए लीनियर क्वाड्रेटिक अब इसके आगे के जो पॉलिनोम होते हैं उनके डायरेक्ट इस तरह से नाम तो नहीं होते वो उनकी डिग्री के बेस पर ही डिफाइन किए जाते हैं जैसे अगर हम फोर डिग्री का पॉलिनोमियल यूज करें तो उसका नाम फोर डिग्री पॉलिनोमियल ही कहा जाएगा फोर्थ डिग्री पॉलिनियल फिफ्थ डिग्री पॉलिनॉमियल सिक्स डिग्री पॉलिनोमियल उसका नाम वही है लेकिन सिंगल डिग्री पॉलिनियल को हम सिंगल डिग्री पॉलिनॉमियल नहीं लीनियर कहते सेकेंड डिग्री पॉलिनॉमियल को हम सेकेंड डिग्री पॉलिनॉमियल के जगह पर क्वाड्रेटिक कह देते हैं और थर्ड डिग्री पॉलिनॉमियल के लिए क्यों लेकिन उसके आगे हम डायरेक्ट उसी नाम से आगे देखें भाई लीनियर पॉलिनोमियल का एक एग्जाम्पल हमने लिया टू एक्स माइनस फोर एक्स वेरिएबल का पॉलीनोमियल है बिल्कुल ठीक है कभी ना कभी इसे सॉल्व करके एक्स की वैल्यू तो हम निकालेंगे ही नॉर्मल केस में एक्स की वैल्यू निकालते तो क्या कहते एक्स की वैल्यू है इस लीनियर के लिए लेकिन पॉलिनॉमियल में जब वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है तो उसे जीरो एक बार फिर समझें पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है उसे जीरो अब अगर टू एक्स माइनस फोर में हम एक्स की वैल्यू निकालें तो एक्स की जो भी वैल्यू हम निकालेंगे एक्स की वैल्यू मान लो हम निकालते हैं टू तो ये जो एक्स एक टू टू है टू को हम जीरो कह देंगे टू इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल टू एक्स इसकी मीनिंग क्या है इसकी मीनिंग ये है कि अगर हम x की कस टू टू की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो ये जीरो बन जाएगा ये इसकी मीनिंग है अगर x की जगह पर टू पुट कर दें तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी जीरो होगी ये इसकी मीनिंग है इसीलिए जीरो कहा जाता है अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करें एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स मान लो ये कोई है आगे का एक्सप्लेनेशन मैं बताऊं उससे पहले एक वर्ड और आपको सीख लेना चाहिए एक पहला ये है एक क्या एक ही है ये सुने ध्यान से जिस वेरिएबल पर जितने भाई हाँ पावर्स होते हैं हाईएस्ट है है उस वेरिएबल की उतनी ही वैल्यूज कैलकुलेट की एक बार फिर समझे जिस वेरिएबल पर हाईएस्ट जितने पावर्स होते हैं जितने डिग्रीज होते हैं उतनी ही वैल्यूज उस वेरिएबल के कब अब जरा ध्यान दें इस लीनियर पॉलीनोमिअल में x वेरिएबल पर हाईएस्ट डिग्री क्या था वन तो इसलिए इस लीनियर पॉलीनोमिअल में जब x की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो वो कितनी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और अगर हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनामियल की बात करें तो इसमें वेरिएबल पर पावर तो टू है तो अगर हम इस x की वैल्यू कैलकुलेट करते तो दो वैल्यूज कैलकुलेट करते जो भी दोनों हो और अगर हम एक क्यूबिक की बात करें एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर मान लो तो अगर हम इसमें एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये थ्री वैल्यूज क्यों क्योंकि एक्स वेरिएबल पर हाइएस्ट थ्री थ्री आप लाल तो मैंने तो एक ही कहा था लेकिन दो बातें निकल कर आई एक बात तो ये निकल कर आई है दूसरी बात ये निकल कर आई कि भाई में जो वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है उसे जीरो कहा जाता है इसकी मीनिंग तो ये हो गई कि भाई लीनियर में सिंगल जीरो होता है क्वाड्रेटिक में कितने जीरोस हो जाएंगे दो जीरोस हो जाएंगे कौन कौन से एक एक्स की फर्स्ट वैल्यू और दूसरी एक्स की सेकेंड वैल्यू तो हम इसमें तो निकालेंगे टू जीरो निकाले जाते हैं उसे हम एल्फा और बीटा कहते हैं। जो टू जीरो निकाले जाते हैं उसमें हम एक को एल्फा दूसरे को और क्यूबिक अगर पॉलिनोमियल की हम बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो इसमें कितने जीरोज होंगे और थ्री जीरो हम वही जीरो जो एक्स के तीनों वैल्यूज हम कैलकुलेट करेंगे और अगर कोई कंडीशन ना दी जाए तो हम इन जीरो साइन अंडर होता है कि अगर फोर्थ डिग्री का पॉलिनामियल हो तो उस पॉलिनियल को सॉल्व करके हम उस वेरिएबल की फोर वैल्यूज निकालेंगे तो फोर जीरो जाएंगे उसे डिनोट करने का कोई पर्टिकुलर साइन नहीं होता है आप किसी से भी नोट कर लें एक्स के साथ डिनोट करें या जो दिया जाए वो से नोट कर लें कोई फर्क नहीं इन तीनों के लिए एक स्पेसिफिक सिंबल दिया जाता है हम जिससे डिनोट करें लीनियर के लिए कोई पर्टिकुलर अल्फाबेट नहीं है क्वाड्रेटिक के लिए है और क्यूबिक ठीक है अच्छा आप ध्यान से भाई लीनियर के लिए तो आपको बता दिया गया एक्स की जिस वैल्यू को फिलअप करने से ये जीरो बन जाए उसी को हम उस

और क्यूबिक फ्लिप करने से जीरो बने ठीक है और वही थ्री इनके जीरोस कर दिए जाएंगे और क्वाड्रेटिक में वह दो उनके दिए जाएंगे अब हमारे पास भी दो मेथड्स एक तो इन जीरोस को कैलकुलेट करने का डायरेक्ट तरीका बताया जाए दूसरा इनका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बताया जाए करने का तरीका तो हम सीखें बेस पर कैसे किया ग्राफ की मीनिंग, इनकी मीनिंग क्या है ये अच्छा एक बात और यहां मैं आपको बता दूं कि अगर वेरिएबल एक्स है वह चाहे लीनियर का हो का हो या क्यूबिक तो वैल्यू ही हम पाएंगे अगर एक्स तो की वैल्यू पाएंगे की पाएंगे पर पाएंगे। पर बात समझे मेरी? एक बार फिर समझे अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनामियल दिया गया है

यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि एक एक टॉपिक से रिलेटेड कुछ कुछ वर्ड्स निकाल रहे हैं तो जो जो इंपॉर्टेंट है जिसे हमें यूज करने हैं आगे भी कुछ देखते हैं आगे भाई अगर हम इसी एग्जाम्पल को लेते हैं टू एक्स माइनस तो पहले लीनियर की बात करते हैं तो हमें एक तो बात क्लियर हो गई कि एक्स एक जीरो है। और जैसा मैंने कहा कोई दूसरा जीरो हो ही नहीं सकता तो चलिए देखते हैं इसके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से क्या यही आ रहा है अभी एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि इससे पहले आपने नाइंथ क्लास में एक टेबल यूज़ किया होगा ग्राफ प्लॉट करने आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे तो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कुछ भूल गए होंगे कुछ को फिफ्टी फिफ्टी कुछ हल्का से याद होगा तो चलिए उसको हम एक बार रिवाइज करते हैं टू एक्स माइनस फोर का पॉलिनॉमियल दिया गया था वेरिएबल क्योंकि तो एक्स यूज हुआ है इसलिए यह पी एक्स का पी एक्स की मीनिंग एक्स वाली पॉइंट्स कैसे डिफाइन करते थे एक्स और वाई हम पॉइंट्स डिफाइन करते थे मिनिमम टू पॉइंट्स लेते थे मैक्सिमम थ्री ले लेते थे टू पर भी डिफाइन जरा ध्यान दे क्योंकि तो तो जाते हैं वो एक्स और वाई ही डिफाइन पीएक्स का तो कोई एक्सेस हमने मान लिया एक्स तो ठीक है पीएक्स को वाई मान लिया हमने क्या यहां मान लिया y p समझ समझना आसान हो जाए अब जरा चेक करके देखो कि x के जगह पर अगर मैं क्या पुट कर दूं पुट कर दूं x के जगह पर 2 पुट करने से y 0 हो x 0 ही तो होगा और अगर हम x के जगह पर 3 पुट कर दें x के जगह पर 3 पुट करेंगे तो ये फिगर हो जाएगा 6 6 4 ये हो जाएगा 2 दो पॉइंट्स में ठीक है चलो ठीक है दो पॉइंट से बना लेते हैं यहां से भी कुछ और बातें क्लियर होंगी फिर वह हम देखेंगे वन बाय वन तो चलो भाई हम एक डायग्राम सभी पॉजिटिव हैं सभी पॉजिटिव के लिए हम यूज कर लेते हैं सेंटर पॉइंट वन टू फोर फाइव एक्स एक्सेस वाई वन टू यहां नीचे आता है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर ये एक्स डैश सॉरी वाई वर्टिकल वाई होता है तो वाई डैश है ये ये ऊपर वाला वाई है और लेफ्ट पोर्शन में होता है एक्स डैश माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एंड जरूरत हमें एक्स एक्स एस पर है एक्स टू वाई जीरो एक पॉइंट तो हमें यहां मिला x2 टू वाई जीरो दूसरा मिला एक्स थ्री वाई टू एक पॉइंट जब आप एक्चुअल ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो और इनको टच करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे ये लाइन ऐसे क्योंकि पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल का था अब आप चेक करके देखो कि एक्स 21 वैल्यू पर जीरो हुआ है y मीनिंग पॉलिनोमियल y के मीनिंग क्या है पॉलिनोमियल है देखो y की मीनिंग पॉलिनोमियल अब जरा चेक करो एक पॉइंट ये ऐसा है जो तो पॉइंट है 2,0 का 2 क्या है x है और जीरो क्या है y है और जिसे हम क्या कर रहे हैं पॉलिनोमियल हम क्या कर रहे हैं पॉलिनोमियल इसकी मीनिंग 2 पर पॉलीनोमियल जीरो हो जाएगा और चेक करके देखो यही टू तो सॉल्व करने के बाद भी मिला था जरा चेक करके देखो एक्स पर ही तो मिला था ये रहा एक्स टू पर ही तो आया तो मीनिंग ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ये है जिससे हम डायरेक्ट पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं कि किस वैल्यू पर पॉलिनोमियल जीरो होगा या इसके जीरो की वैल्यू इससे दो बातें और क्लियर हो गई कौन सी बात क्लियर हुई भाई लीनियर पॉलिनोमियल का डायग्राम हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनता है एक बात यह क्लियर होगी स्ट्रेट लाइन है का अगर हम पर 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 करते हैं, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा चेक करके स्ट्रेट लाइन ही तो है और जैसा मैंने कहा था कि लीनियर पॉलिनोम में एक्स वेरिएबल की केवल एक ही वैल्यू कैलकुलेट होगी जिसे जीरो कहेंगे तो आप चेक करके देखें 2, एक ही वैल्यू तो है एक बात और क्लियर हो गई कि एकस एकस पर जितने कट होंगे तो तो इसकी मीनिंग एक बात और क्लियर होकर आ रही है क्या कि अगर ये क्वाड्रेटिक होता तो क्या होता क्वाड्रेटिक होता तो दो जीरोस मिलते हैं ना दो जीरो की मीनिंग एक्स एक्स पर दो पॉइंट पर कट होता है ध्यान से समझे मेरी बात भाई लीनियर पर तो एक ही कट हुआ एक ही जीरो मिला क्वाड्रेटिक होता तो जैसा मैंने कहा क्वाड्रेटिक पर दो जीरो होने चाहिए और अगर वह पॉलीनोमिअल एक्स वेरिएबल का है तो एक्स एक्सिस पर दो कट लगे। अब जरा देखते हैं अगले एग्जांपल में कि दो कट कैसे बन रहे हैं ठीक तो लीनियर तो क्लियर हो गया क्वाड्रेटिक पर भी एक हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं समझना आसान हो जाएगा मान लो एक हमने पॉलिनोम एक्स वेरिएबल का ही यूज किया है जो तो है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एक्स वेरिएबल का है हम वही स्टेप यूज करते हैं जो आपने इसके पहले के एग्जाम्पल में किया है क्या एक हमने एक्स ले लिया और क्योंकि जो तो ग्राफ पेपर होता है वो एक्स और वाई का होता है पीएक्स का नहीं होता तो हम पी एक्स को वाई ही मान लेते वाईक्वस टू पी एक्स आप चेक करके देखो कि x के किस वालू पर कौन कौन पॉइंट्स होते हैं हम थोड़ा ज्यादा ही पॉइंट्स पर लेते हैं पहला भाई अगर x जीरो हो जाए एक्स जीरो पर भाई क्या होगा सर्च करें x जीरो अगर हो जाता तो ये भी जीरो ये भी जीरो बचेगा सिक्स एक बात तो क्लियर हो गई चलो मैं ये रब करता जाऊंगा और आप दूसरे पॉइंट्स को सर्च करते जाएं चलो भाई वन पर क्या होगा एक्स वन वाई बताओ एक्स वन की मीनिंग ये वन ये माइनस फाइव वन माइनस फाइव माइनस फोर माइनस फोर प्लस सिक्स एक तो ये है फिर इसे मैं रब कर रहा हूं एक्स टू पुट करके देखें भाई एक्स टू पुट किया तो ये क्या हो गया फोर टू पुट करने से ये हो जाएगा टेन तो फोर माइनस टेन माइनस सिक्स माइनस सिक्स प्लस सिक्स फिर ये जीरो बन गया चलिए हो गया x3 पर देखते हैं फिर ये मैं रब कर रहा हूं देखते हैं आगे क्या बनता है थ्री पर जरा चेक करें, तो भी x3 मेंनिंग ये हो जाएगा थ्री का स्क्वायर नाइन चेक कर लेते हैं और माइनस ये हो जाएगा फिफ्टीन नाइन माइनस फिफ्टीन आता है माइनस सिक्स प्लस सिक्स ये फिर हो जाएगा जीरो इसके मीनिंग थ्री पर भी हो गया ये जीरो अब आगे चलते हैं तो भाई फोर पर चेक करो फोर पर ये क्या हो जाएगा सिक्सटीन रब पर चेक कर लिया करें और ये फोर पर हो जाएगा ट्वेंटी सिक्सटीन माइनस ट्वेंटी माइनस फोर माइनस फोर प्लस सिक्स एक्स फोर पर वाई टू वाई मीनिंग पी एक्स टू ये वाई ही है चलो एक पॉइंट और इन्हें भी रब करता हूँ अगले पॉइंट्स को चेक करने के लिए भाई एक्स फाइव हमने ले लिया तो अगर एक्स फाइव लेते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ट्वेंटी फाइव माइनस ये भी हो जाएगा ट्वेंटी फाइव फाइव इंटू फाइव और ये हो जाएगा प्लस सिक्स तो ये बना सकते तो ये हमारे पास पॉइंट्स पॉइंट्स पांच छह आप भी सर्च कर दिया करें जब बात क्वांटिटी की आती हो और आपको डायग्राम बनाने के लिए कहा जाए तो भाई चलो बनाते हैं तो एक्स एक्सेस पर मैक्सिमम फाइव होना चाहिए वाई एक्सेस पर हम मैक्सिमम सिक्स होना चाहिए चलो बनाते हैं। एकस, एक्स डैश एक्स डैश यहाँ कहाँ होगा यहां तो वाई डैश होगा और यहां -1, -2, तो सभी आप अच्छी तरह से जानते होंगे माइनस वन यहाँ हम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन वन टू फाइव और ले लेते हैं चलो भाई एक एक पॉइंट हम देखते हैं सर्च करते हैं पेन अच्छा सा ले लिया जाए एक्स जीरो सिक्स एक, एक पॉइंट यहां मिल गया एक्स वन वाई टू एक पॉइंट हमें यहाँ मिला एक्स टू वाई जीरो तीसरा पॉइंट यहां मिला एक्स थ्री वाई जीरो एक पॉइंट यहां मिला एक्स फोर वाई टू एक यहां मिला ओरिजिनल तो ग्राफ नहीं है आप बनाएंगे तो अब भाई इन पॉइंट्स को मिलाते हैं फाइव सिक्स कहां जाएगा ज्यादा उधर हो आप एक बार चेक कर लेंगे तो इन पॉइंट्स को मिलाकर भाई एक लाइन हम हो सकता है बहुत लेकिन इतना तो होगा ही कि आप यूनिट्स को डिफाइन या नहीं बनाने की कोशिश तो कर रहा हूं अच्छी सी बन जाए चलो जी अब जरा चेक करो हम बात x एक्स की कर रहे हैं क्यों क्योंकि पॉलिनोमियल x वेरिएबल का है तो भाई एक पॉइंट हमें क्या मिला ये मिला और ये है टू कामा जीरो और दूसरा है थ्री जीरो अब जरा चेक करो यहां एक्स टू है और वाई जिसे हम px एक्स कह रहे हैं वह जीरो है और दूसरे में एक्स थ्री है और वाई जिसे हम px एक्स कह रहे हैं वह है। तो भाई हमें टू जीरो कौन कौन से मिले ये आप ही बता दो लिख कर भी बता सकते कौन कौन से जीरोज मिले टू एंड थ्री आर द जीरो पॉलिनामियल एक्स स्क् माइनस फाइव एक्स प्लस क्योंकि टू पर भी वाई जीरो पर भी पॉलिनोमियल जीरो आ रहा है, है. चेक करके देखो थ्री पर भी जीरो टू पर भी जीरो तो हम क्या कर सकते हैं टू एंड थ्री आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स अब फिर से यह कुछ बातें निकल कर आ रही है एक तो ये कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनामियल है हमने इसको सॉल्व किया इसमें एक्स एक्स पर दो कट मिले ये। अब आप थोड़ी देर के लिए जूम करें कि ये सब यहां से गायब है केवल एक ये डायग्राम दिया गया डायग्राम देखकर भी तो हम बता सकते हैं कि कितने जीरोज हैं कैसे एक्स एक्सेस पर दो कट हैं दो जीरोज हैं अगर एक्चुअल ग्राफ पेपर होता तो हम एग्जैक्ट बता सकते टू एंड थ्री जीरो अब अगर जरा एज्यूम करें किसी एक क्वेश्चन में ये हमने दे दिया अब इसमें कितने जीरोज हैं भाई देखकर बताओ एक जीरो ये है एक जीरो ये है एक जीरो ये है अगर पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल का है तो उस पॉलिनोमियल को डायग्राम को देखकर हम बता सकते हैं कि भाई इसमें थ्री जीरोस हैं तो इसकी मीनिंग क्वाड्रेटिक क्वालिना रहा है हम ये भी बता सकते हैं कि इसमें एक निगेटिव है और दो पॉजिटिव है बता सकते हैं एग्जैक्ट कितने हैं भाई ये हम यहां नहीं बता सकते एक्चुअल ग्राफ पेपर होता तो बता दे ठीक है यहां दो कट हुए यहां दो जीरोस हैं अगर मान लो किसी एक क्वेश्चन में यह दे दिया जाए अब कितने जीरोस हैं भाई वो एक ये कट एक ये कट एक ये कट एक ये फोर जीरोस है फोर डिग्री का पॉलिनोमियल है और एक्स वेरिएबल का है दूसरी बात जो क्लियर हो कराई है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर डायग्राम हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर तो हमेशा पैराबोलिक शेप ये जो शेप है इसको पैराबोलिक शेप पैराबोलिक के फोर टाइप्स होते हैं एक ये होता है एक ये होता है एक ये होता है एक ये होता है। इसी तरफ ओपन करके इसका माउथ बना दो, ये सब पैराबोलिक है ओपन तो कर ठीक है, तो ये दो बातें क्लियर हो गई एक जितने कट होंगे उतने जीरोज होंगे क्वाड्रेटिक का जो डायग्राम बनता है वो पैराबोलिक बनता है और जो लीनियर का बनता है वो इस तो हम अब किसी भी डायग्राम को देखकर एटलीस्ट ये तो बता ही सकते हैं कि कितने जीरो और अगर पॉलिनोमियल वाई वेरिएबल का होता तो वाई एक्स पर हम करते इस पर बेस्ड फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन